नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, इस 26 जनवरी 2018 को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि भारत का विभाजन जो था वो धर्म के आधार पर हुआ था, और क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भारतवर्ष में रह रहे थे इसलिए भारत को एक सेक्युलर देश अर्थात पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि ताकि यहाँ पर सर्वधर्म समभाव रह सके। सेक्युलरिज्म का पूरा ठेका केवल हिंदू समाज पर रह गया और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय था वो धीरे धीरे बहुसंख्यक होने की ओर प्रगतिशील रहा, और उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि सेक्युलरिज्म से हमारा कोई भी नाता नहीं है। हमारी जो कुरान है, हमारी जो हदीस है, हमारे नबी साहब का जो आदेश है उसके अनुसार हम सेक्युलर रह ही नहीं सकते। जबकि इनके पूर्वजों ने भारत में शरण लेते समय ये कहा था कि हमको अपना देश भारत अपने धर्म से ज्यादा प्यारा है। तो इन 3-4 टॉपिक के ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो अब देख सकते हैं। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसी 26 जनवरी के दिन कासगंज में जो कुछ हुआ उसने हमारी इस वीडियो को अक्षरशः प्रमाणित कर दिया है, इसलिए भी आप लोगों को वो वीडियो देखना और उसमें छुपी हुई सभी बातों को गहनता के साथ समझना अत्यंत आवश्यक है, और उस संदेश को सभी तक पहुंचाना भी अत्यंत आवश्यक है कि उन लोगों की तैयारी जो 70 साल में आज तक हुई है वो किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि परसों ही 26 जनवरी हुई है और इस लिहाज से तिरंगा आपके घरों में होना चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे तकरीबन 80-90% हिंदू भाइयों के घर में वो झंडा नहीं होगा। अब चलते हैं कासगंज की तरफ। 26 जनवरी का दिन है और लोगों के घरों से पाकिस्तान के झंडे निकल आए। कहने का तात्पर्य यह है कि परसों 26 जनवरी हुई है लेकिन आपके घरों में तिरंगा झंडा नहीं मिलेगा, लेकिन उन लोगों के घरों में पाकिस्तान का झंडा उपलब्ध है। तो आप ये देखिए कि मनोवैज्ञानिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, वाचिक तौर पर जब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, नाराए तकबीर के नारे लगाए, तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी तैयारी किस उच्च स्तर पर फिलहाल की तारीख में है, जबकि वो देश के अंदर सिर्फ 14% है, जबकि वो 20-25 करोड़ के ही नीचे हैं। तब भी आप उनकी तैयारी देखिए, उनका हौसला देखिए कि वो 26 जनवरी के दिन पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और आप लोग देखते रह जाते हैं। तो देश की जो स्थिति हमारे बापू चाचा ताऊ ने मिलकर बनाई है, सेक्युलरिज्म का ये जो डंडा हिंदुत्व के झंडे के अंदर जो जानबूझकर जबरदस्ती घुसेड़ा गया है, वो हम लोगों को आगामी भविष्य में, हमारी आने वाली संतति को, आने वाली नस्लों को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि आपके पास में सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो गर्दन कटेगी या तो सुन्नत कटेगी। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि अपनी कम्युनिटी को आपने जातिवाद में तोड़कर रखना है, उनको डिस्ट्रैक्ट करके रखना है, एक दूसरे से मुंह फिरा के खड़े रहना है, और हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ एक अलगोजा हमेशा बजता रहेगा 15 अगस्त के दिन, वो कहते रहेंगे कि भारत पूरा एक है, भारत में शांति है, भारत में सहिष्णुता है, लेकिन अगर आपने अपनी आने वाली फसल को, आपने अपने आने वाली संतति को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है तो फैसला आज लेना पड़ेगा। वरना पद्मावती फिल्म में जिस प्रकार से राणा रतन सिंह को बहुत ही कमजोर राजा दिखाया गया वो उस समय की सच्चाई थी। जिस प्रकार से अगर आज प्रश्न करने वाला कोई खड़ा हो कि राणा रतन सिंह क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर अकेला राजपूत रह गया था, 16,000 रानियां जिस समय जौहर कर रही थी, जिस समय राणा रतन सिंह को कब्जे में लेकर उनको अपनी जेल में कैद कर लिया गया, तो क्या इतने बड़े भारतवर्ष के अंदर कोई राजपूत राजा या कोई जाट राजा कोई जिंदा नहीं बचा था, कोई उसकी सुरक्षा के लिए नहीं आ सकता था सामने, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो जिस प्रकार से आज राजपूत जाट आपस में लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से दलित और आर्य
कि जो थ्योरी बनाकर मुस्लिम लोग आपस में आपको लड़वा रहे हैं वो सबसे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। दलित समाज के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से वो आपके मूल निवासी अभियान के अंदर फिलहाल सहयोग कर रहे हैं, आपकी तरफ से भाषणबाजी कर रहे हैं, आप उनको उद्घाटनकर्ता और मुख्य स्पीच देने वाला बुला रहे हो, वो सब लोग जो आज 70 साल के बाद इस बात से मुकर सकते हैं कि जिन्होंने कहा था कि हमको धर्म से प्यारा अपना देश है, और वो आज खुद पाकिस्तान के झंडे यहाँ फहरा रहे हैं, तो दलित समाज के लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने राजपूत इतनी पराक्रमी कौम को नहीं बख्शा, जिन्होंने जाटों को जितनी पराक्रमी कौम थी उसको नहीं बख्शा, तो आप लोग तो शुरुआत से ही एक कमजोर तबके के व्यक्ति हो। आपको संविधान ने भी पहले ही कह दिया कि आप कमजोर व्यक्ति हो, तो आपको वो कहां बख्शने वाले हैं। इस प्रकार से हिंदू समाज की जितनी भी 36 प्रकार की कौम है उनको ये समझना पड़ेगा कि आज 70 साल के बाद यदि 14% लोग इस कदर तलक आतंक मचा सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर पे योगी सरकार में, कासगंज के अंदर, भोपाल के अंदर, जहां पर भी भाजपा की सरकार है, जब वो वहां पर आतंक मचा सकते हैं तो गैर भाजपाई राज्यों में क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी। मेवात की स्थिति आप देखिए कि वहां पर दलित समाज के लोगों को धर्मांतरण ना करने की वजह से मार पीट कर वहां से भगाया गया है, जान ले ली गई है, उनकी लड़कियों को उठाया जा रहा है, तो दलित समाज अब कहां सोया हुआ है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि 26 जनवरी के दिन जो हमने वीडियो बनाई थी वो अक्षरशः सत्य साबित हो रही है, और धर्म इनके लिए प्रथम है, राष्ट्र बहुत ही बाद की बात है। वो मैंने वीडियो क्लिप भी आप लोगों को दी थी, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए इस्लाम पहले है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन या देश की एकता हमारे लिए भाड़ में गई, हम इस देश के कुत्ते नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाओ, रह जाओ, बात को समझो, वरना वो दिन आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा कि जब आज की तारीख में आप 16,000 रानियों के जौहर पर बनी फिल्म का विरोध कर रहे हो, कल आप में इतनी भी ताकत नहीं बचेगी। जब आपकी माँ बहनें जौहर कर रही होंगी तो आप उनको बचा लें। थोड़े कहे को ज्यादा समझना। आज रवि के लिए सिर्फ इतना ही। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।